नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वेलकम लाइव में स्वागत है। तो आज मैं आपको जो है अपना सेटअप दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं जो है अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए, मेरे पास है एक ट्राईपॉड है, ये इससे जो है मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। तो इसकी जो लंबाई वगैरह है, फुल इसकी लंबाई है, देखिए कितना ये ऊंचा हो जाता है, ये दिखाता हूँ। तो ये मैंने लिया था, 500 रुपये का लिया था मैंने, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगाया था मैंने ये, ठीक है। इससे अब मैंने जो है अपना न्यू सेटअप बनाया है, लेकिन है छोटा ही सेटअप, क्योंकि कई बार मुझे घर पे वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा सेटअप बना लिया जाए। तो आपको वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा बड़े सेटअप की जरूरत नहीं। देखिए, ये ट्राईपोड है, इतना है बड़ा। तो और देखिए, ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे मैंने बिछा रखा है ये टेबल, टेबल बिछा रखा है, और टेबल पे तो है इस ट्राईपोड को मैं रखता हूँ। तो ये मेरा जो है पूरा कमरा है, इस कमरे में ये आगे की साइड से जो है धूप आ जाती है, थोड़ा सा फोकस इस पर पड़ जाता है। और दूसरा, मैंने ये एक कुर्सी ले रखा है, जो है मैंने कुर्सी लिया था, नया कुर्सी है, लेकिन इस पर थोड़ा जो है कंफर्टेबल रहता है, अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर मैं बैठता हूँ, और यहाँ पे ये ट्राईपोड रहता है, और यहाँ पे इसमें लगा के फ़ोन। तो कभी वीडियो बनाते हैं तो बैक कैमरे से बनाना चाहिए। और ये देखिए, पीछे एक साइड मैंने ये जो है पर्दा लगा रखा है लाल कलर का, देखिए तो इतना पर्दा लगाया हुआ है कि जो क्लियरिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है इससे, तो एक अच्छा वीडियो बन जाता है इससे। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार बैठ के। तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है, देखिए कुर्सी है, एक पर्दा है, एक फ़ोन है, एक ट्राईपॉड है, एक ये टेबल है। तो इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ खर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे फ़ोन लगाइए, बैक कैमरे से हमेशा आपको वीडियो बनानी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से फ़ोन को रखेंगे तो ये पीछे क्लियरिटी सही आएगी बिल्कुल। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्राईपॉड के बारे में, या फिर इस बैक पर्दे कुर्सी के बारे में, तो मुझे ज़रूर जो है कॉमेंट करना। वीडियो पसंद आए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।